जी हाँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त अंकित वर्मा। आप जो है टेस्ट पार्ट का स्कूल में हो, तो आज मैं आपको बताने वाला कि आपके यूट्यूब चैनल पे 10, 4, 5, 20, 50 व्यूज आखिर रुक जाता है। तो आपको कैसे आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज बढ़ाना है, तो चलिए इसके बारे में बताने वाला हूँ कि YT स्टूडियो को सही से चलाना सीख लेंगे मेरे तो आप यूट्यूब चैनल को ग्रो कर लेंगे। या तो इसके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा कि इसके अंदर YT स्टूडियो कैसे यूज करें, या तो किस टाइप पे कैसे यूज करें, कौन सा एप्लीकेशन किस टाइप पे यूज करना चाहिए। मैं तो सही समय पे आप अपने YouTube को यूज करेंगे तो आप 100% पे चैनल को ग्रो करेंगे। या तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, तो फुल वॉच करना, तभी आपके समझ में आएगा कि YouTube को हमने कैसे यूज किया है। या तो उसके बारे में मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे अभी मोबाइल स्क्रीन लुक किया है, यहाँ पे आपको मैंने YouTube को मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे YouTube क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ इतना का इंटरफेस शो करेगा। या तो जैसे कि यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर और वाट टाइम और लेटेस्ट वीडियो सब कुछ दिख रहा है, तो आपको पहले जाना है एनालिटिक्स पे। ये तो एनालिटिक्स पे ही तो YT का पूरा फीचर छुपा हुआ है। आपको कांटे पर जाएंगे तो यहाँ पे आपका सारा वीडियो दिखेगा, और कमेंट पे जाएंगे तो आपके यहाँ पे सारा कमेंट दिखेगा, और वार्निंग पे जाएंगे मैं तो यहाँ पे आपको सारा जो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है या वाट टाइम कम्प्लीट होने वाला है ये सारा कुछ दिखेगा। और ये एनालिटिक्स पे जाएंगे तो इसके अंदर पूरा यूज छुपा हुआ है, YT यूज करने का पूरा राज छुपा हुआ है। तो आपको पहले वो टेस्टिंग पे क्लिक करना है। मैं 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं चारों के डिटेल में फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। या तो जैसे टेस्टिंग है वो भी वो कंटेंट है ऑडियंस है। या तो जैसे कि आप टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर मैं तो देख सकते हैं टॉप सर्च इस पॉलिश टॉपिक टॉप सर्च यहाँ पे दिया गया है मैं तो। और यहाँ पे नीचे दिया है काउंटर वेब फर्स्ट सोर्स यानी कि लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो, या तो ये दोनों दिए गए हैं। तो आपको मैं तो अगर आपको वीडियो अपलोड करने का टाइटल नहीं मालूम है कि मैं किस टाइटल में वीडियो बना के अपलोड करूँ, तो मैं तो यहाँ पे टॉप सर्च पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना सा टाइटल आ गया है, एक टॉप सर्च है। लोगों ने ऑडियंस ने सर्च किया है हाउ टू वायरल कम्युनिटी पोस्ट ऑन यूट्यूब 2024, शॉर्ट वीडियो अपलोड थंबनेल, हाउ टू वायरल वीडियो ऑन यूट्यूब न्यू चैनल, हाउ टू अपलोड शॉर्ट वीडियो ऑन गोट वायरल, इस तरह जो टाइटल सर्च किया गया है यूट्यूब चैनल पे। यह तो जैसे कि हमारा टेक कैटेगरी चैनल है तो टेक कैटेगरी में ये कीवर्ड सर्च किए गए हैं, तो आपको देखना है कि कौन कौन सा कीवर्ड ज्यादा सर्च किए गए हैं, उसी कीवर्ड पे आपको एक वीडियो बना के अपलोड करना है। या तो रेगुलर जैसे कि ये वीडियो हमने ज्यादा सर्च किया गया, इसमें बार क्लिक करेंगे तो इसको आपको देखना है कितना सर्च किया गया है। तो यहाँ पे जैसे 1 टाइटल और 2 टाइटल और 4 टाइटल, 3 टाइटल यानी कि एक ही टॉपिक का 3 टाइटल कीवर्ड सर्च किया गया है। तो मैं तो ये कितना सर्च किया गया उसको भी आपको देखना है, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कितना सारा टाइटल दिया गया है, आप पुराना टाइटल लिखना भूल जाइए, आप इस टाइटल को आप यूज कर सकते हैं। यह तो ये है टाइटल, तो इसको जो हाउ टू गेट कम्युनिटी पोस्ट टैब ऑन यूट्यूब मोबाइल 2024, ये टाइटल आप लिख सकते हैं, इसी टाइटल के ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड करना है। यह तो इस तरह से आप यूट्यूब चैनल पर ग्रो कर सकते हैं अपने इस टॉप सर्च के जरिए से। तो मैं तो इसको थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ, एक बार क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखता है कंटेंट गैप, इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे मैं टाइटल गैप पर क्लिक किया तो यहाँ पे भी एक टाइटल दिया हुआ है, हाउ टू मेक कम्युनिटी पोस्ट ऑन यूट्यूब मोबाइल। इस तरह आप कोई भी एक टाइटल इसके अंदर से यूज कर सकते हैं, और जो कीवर्ड आपको यूज करना है जैसे कि हाई एलू का, जो हाई एलू में जो जो कीवर्ड सर्च किए गए हैं वही कीवर्ड आपको अपने मोबाइल में यूज करना है। जैसे कि हाउ टू शेयर कम्युनिटी पोस्ट ऑन यूट्यूब, ये हाई एलू कंटेंट गैप, ये टाइटल ज्यादा सर्च किया गया हाई एलू पे। तो मैं तो इसको आपको ध्यान में रखना है और अपने यूट्यूब चैनल पर ये टाइटल वीडियो रखे अपलोड कर देना है। मैं तो ये है टॉप सर्च का कीवर्ड में, तो ये आपको समझ में आगे होगा कि हमको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए और कौन सा टाइटल उसके अंदर डालना चाहिए। उसके बाद आपको जाना है ओवरव्यू पे। जैसे ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं टॉप कंटेंट, जैसे कि आपके यूट्यूब चैनल पर कौन सा ज्यादा वीडियो पे व्यूज आया हुआ है, उस पर आप एक दो बार वीडियो बना बना के अपलोड करना चाहिए। जैसे कि हमारे पे वीडियो पे व्यूज आया है 682 या 1002, जितना व्यूज आया हुआ है यूट्यूब चैनल उसी पे वीडियो बना के आपको अपलोड करना है। उसके बाद देखना रियल टाइम डाटा, रियल टाइम डाटा में कितना व्यूज आ रहा है उसको भी आपको चेक कर लेना है। अगर आपके रियल टाइम डाटा पर सबसे टॉप पे जो वीडियो चल रही है उसको भी एक बार वीडियो बना के अपलोड करना चाहिए, तो आपके यूट्यूब चैनल में ज्यादा व्यूज आएगा हर तीसरे के दिन। तो उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो जैसे सब्सक्राइबर, आपका सब्सक्राइबर यहाँ पे कितना बढ़ता है डाउन होता है, जैसे मेरा सब्सक्राइबर बहुत डाउन हो रहा है इस समय, तो आपको जाना कंटेंट पे। जैसे मैं आप कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आप लॉन्ग वीडियो पे काम करते हैं तो आपको वीडियो पे क्लिक करना है, अगर शॉर्ट पे ज्यादा काम करता है तो शॉर्ट पे क्लिक करना है। जैसे कि हमने लॉन्ग पे क्लिक किया है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू व्यूअर फाइंड योर वीडियोस। ये तो अगर आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज आ रहा है तो किस किस सोर्स से व्यूज आ रहा है, बहुत सारे सोर्स से आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज आता है, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउज फीचर से, सजेस्ट से, वीडियो से, चैनल पेज से, अदर यूट्यूब फीचर से, नोटिफिकेशन से, यूट्यूब सर्च से, और स्टैंडर्ड से, प्लेलिस्ट से, एंड स्क्रीन से, और हैशटैग पेज से, इस तरह से आपके यूट्यूब चैनल व्यूज आ रहा है।
मैं दोस्तों ये 28 दिन का आंकड़ा में तो मैं 90 दिन पर क्लिक किया हूँ। तो जैसे तरह इस तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर व्यूज आ रहा है, तो आपको देखना है कि कौन सोर्स से ज़्यादा व्यूज आ रहा है। जैसे हमारे ब्राउज फीचर पर आ रहा है मेरे तो 83%, तो यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर थंबनेल को लोग देख देख के क्लिक कर रहे हैं और उससे बीच हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहा है। तो आपको अपने थंबनेल को मेंटेनेंस रखना है, उस पर फोकस ज़्यादा करना है। अगर आपके यूट्यूब चैनल पर सर्च से व्यूज ज़्यादा आ रहा है, तो आपको अपने यूट्यूब चैनल का SEO स्ट्रॉन्ग करना है। अपने टैग जो टैग में कीवर्ड डालते हैं वो रैंकिंग कीवर्ड डालना चाहिए, जिसके चलते आपके यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा व्यूज आएगा, क्योंकि टैग के जरिए ही आपके यूट्यूब चैनल पर सर्च से व्यूज आता है। अगर आपके नोटिफिकेशन से व्यूज आ रहा है, तो आपको टाइमिंग अपना सुधारना है। आपको 11 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, जैसे मैं 11 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ तो हमारे नोटिफिकेशन से व्यूज आ रहा है। जैसे सुबह के शाम के 6 बजे अपलोड करता हूँ तो 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन से व्यूज आ रहा है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर हमको जानते हैं कि अंगद वर्मा के यूट्यूब चैनल पर 6 बजे और 11 बजे वीडियो आती है, तो नोटिफिकेशन द्वारा वो वीडियो हमारे को वॉच कर लेते हैं। तो आपको ये भी आपको देखना है कि हमको किस टाइम पर अपलोड करना है वीडियो, और हमारा थंबनेल कैसा लगाना चाहिए, और हमारा वीडियो का इंप्रेशन कैसे बढ़ेगा, तो इसको आपको देख लेना है हाउ टू फाउंड व्यूअर में। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे मैं तो यहाँ पे रहता है यूट्यूब सर्च टीम। आपके जो सब्सक्राइबर हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं A to Z सब्सक्राइबर, जितने सब्सक्राइबर होंगे वो क्या क्या सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, या तो वो अपने यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहे हैं वो आपको मालूम हो जाएगा इसके जरिए। मैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप सर्च टीम में यहाँ पे दिखेगा कि आपके सब्सक्राइबर जो जितने सब्सक्राइबर होंगे वो क्या सर्च कर रहे हैं, वो कौन कौन सा वीडियो देखते हैं, तो वो हमारे वीडियो को नहीं देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल कैसे बनाए, न्यू यूट्यूबर शॉर्ट वीडियो थंबनेल कैसे लगाएं, थंबनेल ऑन यूट्यूब, यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, इस तरह के जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इस तरह के कीवर्ड ज़्यादा सर्च, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, यूट्यूब में वीडियो कैसे बनाएं, यूट्यूब सर्च में वीडियो कैसे लाएं, तो इस तरह के हमारे कीवर्ड सर्च किए गए। यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, YT स्टूडियो सटीक, इस तरह के जो कीवर्ड देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर सर्च कर रहे हैं। तो आपको इसी कीवर्ड के ऊपर भी वीडियो बना के अपलोड करना चाहिए, जिसके चलते आपके सब्सक्राइबर को ये वीडियो उनको मिल जाए, वो वीडियो आपके आपकी वीडियो को वॉच कर सके, तो आपके यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा व्यूज आएगा, आपका चैनल ग्रो भी करेगा। तो यह मेरे तो यूट्यूब सर्च टीम आपके सब्सक्राइबर का। उसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जैसे अटेंडेंस साइड फॉर एप्स, आपके यूट्यूब चैनल पर बाहरी साइट से व्यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमारे देख सकते हैं व्हाट्सअप से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, गूगल सर्च से व्यूज आ रहा है, और व्हाट्सअप गूगल इस तरह के हमारे यूट्यूब चैनल पर व्यूज आ रहा है। तो मेरे तो इसको भी आपको देखना कि हमारे बाहरी सोर्स से भी व्यूज आता है या नहीं आता है, नहीं आता है तो उसको लाने के लिए कोशिश कीजिए। थोड़ा सा भी स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जाते हैं प्लेलिस्ट फीचर्स यूट्यूब, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट जो हमने यूट्यूब चैनल पे बना रखे हुए हैं, हमारे प्लेलिस्ट से भी व्यूज आ रहा है 14%, या तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 14% प्लेलिस्ट से व्यूज आ रहा है। तो आपको प्लेलिस्ट भी आपके हर एक वीडियो में लगाना चाहिए, जिसके चलते आपके यूट्यूब चैनल पे ज्यादा व्यूज आए, क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को आप देखेंगे फिर भी और दोबारा वीडियो चल जाएगा आपको प्लेलिस्ट पे, तो प्लेलिस्ट का भी वीडियो पे व्यूज आएगा, तो आपको इसको देख लेना है। उसके बाद थोड़ा इसको कहेंगे यहाँ पे ज्यादा कीवर्ड मोमेंट और ऑडियंस रिएक्शन इंट्रो, जैसे टॉप मोमेंट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ये हमारा जो वीडियो दिख रहा है 2, 2, 4, 5, 5, 6 वीडियो टॉप मोमेंट का है, यानी कि हमारे इस वीडियो पे ज्यादा ज्यादा व्यूज आया है। अगर आप डीप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे इस वीडियो में जो डीप है थोड़ा थोड़ा पास को काटा गया है, यानी कि थोड़ा थोड़ा वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखा गया है, ज्यादा वीडियो यानी कि 2, 2, 4, 5, 5 वीडियो में डीप किया गया है, क्योंकि जो सब लोग वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा कट कट करके देखते चले गए हैं, तो ये डीप है इसको आपको समझना है। अगर आपके में डीप ज्यादा आ रहा है तो आपको जो पार्ट्स को आपको हटाना चाहते हैं वो वीडियो एडिटर से आपको हटा सकते हैं अपने फोरम में जाके इसी वीडियो का, जैसे कि मैं आपको बता दूंगा आगे चल के दूसरे वीडियो में कि आपको डीप के वीडियो को कैसे एडिट करते हैं। जैसे जो पार्ट्स आपको खराब लग रहा है, जैसे इसी वीडियो में क्लिक किया एक बार, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे 1.1 मिनट 40 सेकंड का वीडियो है, इसमें एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे डीप यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट्स है मैं तो सब लोग नहीं देखते हैं, तो आपको इस पार्ट्स को आपको हटा सकते हैं या फिर इसको डिलीट कर सकते हैं, या ये है डीप का मैं तो। और इंट्रो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ का इतना सा इंट्रो लोग नहीं देखते, उसके बाद फिर बढ़ा के देखते हैं, इस तरह से आपको डीप में देखना है मेरे तो। इस तरह से आपको अपने वीडियो को ऐसे टॉप मोमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वीडियो का टॉप मोमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक फुल वॉच किया गया है, टॉप मोमेंट में फुल वॉच किया गया है, और यहाँ से यहाँ तक डीप में लगे यानी कट कर करके देखते गए हैं, तो इसको आपको देखना है। अगर आपका यूट्यूब चैनल का रिएक्शन जो ऑडियंस रिएक्शन सही से नहीं आ रहा तो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करेगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे मैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो पे, जैसे आप शॉर्ट वीडियो क्लिक अपलोड करते हैं तो आपको शॉर्ट वीडियो पे भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हाउ मेन कोर्स इज व्यूअर, जैसे आपके जो यूट्यूबर हैं जो आपका शॉर्ट वीडियो कितना तक भी आ रहा है, यानी 47% हमारे पे भी जा रहा है, लोग सर्व करते हैं सिर्फ 52%, यानी कि हमारे पास 47% क्लिक वेट होता है और 52% सर्व करके चले जाता है, उस वीडियो को देखते नहीं इसे स्क्रॉल कर देते हैं, इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद टॉप सर्च यानी कि टॉप शॉर्ट वीडियो, जैसे जो कौन सा शॉर्ट वीडियो पे ज्यादा व्यूज आया हुआ है उस पर आपको दोबारा वीडियो बना के अपलोड करना है 28 दिन के अंदर ही।
इस तरह से आपको देखना, 100 फीट से व्यूज आ रहा है 78%, चैनल पेस आ रहा है 13%, ब्रॉड फीचर से आ रहा है 5%। आपके जो सब्सक्राइबर कौन कौन सा कीवर्ड सर्च करे शॉर्ट वीडियो के लिए, उस पर अगर कोई क्लिक कर देना है, जैसे यहाँ पे बब्बी या दुबली कॉमेडी भोजपुरी फिल्म, इस तरह के हमारे जो सब्सक्राइबर हैं इस तरह का कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, आपको इसी भी एक कीवर्ड पे वीडियो बना के अपलोड करना चाहिए। तो मैं तो यही है शॉर्ट वीडियो का। उसके बाद आपको देखना है मैं तो ऑडियंस, ऑडियंस रिएक्शन क्या है। अगर आप आईटी तो सही से सीख जाएंगे तो आपका आप यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कर लेंगे बहुत कम ही समय के अंदर। यहाँ पे जैसे रिटर्न व्यूअर 252 है और यूनिक व्यूअर 6000 है। मैं तो रिटर्न व्यूअर जो कि हमारे जो वीडियो को देखने के बाद दोबारा वीडियो को देखते हैं 252 लोगों ने देखा हुआ है। अब हमारे वीडियो को यूनिक व्यूअर जो 6500 के ऊपर है, तो आपको इसको देखना है। उसके बाद देखना है व्यूअर योर व्यूज अगर यूट्यूब, इसलिए मैं क्लिक करूँ तो ये है आपका टाइमिंग, आप किस टाइम पे वीडियो अपलोड करेंगे वो टाइम इसको ये बताता है, आपके सब्सक्राइबर जितने हैं वो किस टाइम पे एक्टिव रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शाम के 6 बजे ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे एक्टिव रहते हैं, दोपहर में दिन में बहुत कम एक्टिव रहते हैं। जो देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ कितना कितना गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7-8 ग्राफ ज्यादा दिख रहा है, यानी कि 7-8 घंटा हमारे सब्सक्राइबर एक्टिव रहते हैं। तो आपको देखना है कि किस टाइम पे हमारे सब्सक्राइबर एक्टिव रहते हैं, उसी टाइम पे आपको वीडियो बना के अपलोड करना है। जैसे हमारे शाम के 6 बजे से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक सब्सक्राइबर हमारे एक्टिव रहते हैं रात तक, तो आपको 10 बजे वीडियो अपलोड कर देंगे या 9 बजे वीडियो अपलोड कर देंगे तो उस टाइम पे ज्यादा व्यूज आएगा। आपको अपने चैनल पे देख सकते हैं कि ये ग्राफ में कितना कितना गाढ़ा किस किस टाइम पे दिया हुआ है। फिर थोड़ा सा आपको बैक जाएंगे तो यहाँ पे जाता है एज, आपके जो सब्सक्राइबर है आपके जो ऑडियंस है किस किस एज के हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा एज आपको दिया हुआ है। फिर जेंडर, आपके वीडियो को मेल देख रहा है फीमेल देख रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल पर 85% मेल देख रहे हैं और 14% फीमेल देख रहे हैं। आपका वीडियो किस कहाँ पे रैंक कर रहा है आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ पे किस किस देशों में चल रहा है। तो हमारा वीडियो जैसे इंडिया में 91%, नेपाल में 7% पाकिस्तान में, इस तरह से हमारा वीडियो रैंक कर रहा है। फिर आपको देखना है अगर आप यूट्यूब पर व्यूज नहीं आ रहा तो क्यों नहीं यूज रहा है, नोटिफिकेशन से व्यूज नहीं आ रहा है, तो जैसे सकते हैं हमारे पे नोट सब्सक्राइबर 85% है और सब्सक्राइबर सिर्फ 14%, यानी कि 14% ही लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं जो हमारे सब्सक्राइबर है, और जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है वो 85% देख रहे हैं। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देता है फॉर्मेट योर व्यूअर वॉच ऑन यूट्यूब, इसके चलते आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा। जैसे यहाँ पे वॉच लिखा है तो यानी कि वॉच टाइम यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये तीनों ग्राफ को पूरा भर देना है। अगर आपके यूट्यूब वीडियो में ग्राफ नहीं भर रहा है तो आपको शॉर्ट वीडियो में ज्यादा व्यूज आ रहा है, यानी कि शॉर्ट वीडियो का ग्राफ भर गया है तो आपको शॉर्ट वीडियो पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, लॉन्ग वीडियो पे आपके सब्सक्राइबर वीडियो को नहीं देखते हैं, इसलिए ये वॉच ये वीडियो पूरा ये ग्राफ भर नहीं जाता है। तो आपको कोशिश करना कि ये ग्राफ आपका फुल हो जाएगा तो आपका वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे तो वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त अंगद वर्मा, टेस्ट पॉडकास्ट को जय हिंद, वंदे मातरम।